हाय यूट्यूब, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। और ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, हमारी लाइव क्लास है। गोपाल चंदल जी 1-to-1 क्लासेस जूम के थ्रू ज्वाइन किए हैं, एकदम लाइव इंटरेक्टिव। और जो क्लासरूम आप लोग ढूंढते हैं ना, उससे बेटर है, क्योंकि उस सेशन को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और क्लास में इंडिविजुअल है। तो चलिए, आप भी आप जॉब कीजिए, अच्छा लगा तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा। तो गोपाल जी, मैं रिकॉर्डिंग परमिशन दे दी है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेशन को मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूं। ठीक है सर, अब बात करते हैं हम एक प्रोजेक्ट जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हमारा प्रोजेक्ट क्या था, एक बार जान लेते हैं। तो बेसिकली मुझे एक डेटा डाउनलोड करना है अपने सिस्टम से, और मेरा जो सिस्टम है वो डेटा को फाइल में डाउनलोड करके नहीं देगा, राइट? तो हमें उसके लिए फाइल और शीट्स बनाने। टोटल एक साल का डेटा है, मतलब कि मुझे 365 शीट्स चाहिए। बट 365 शीट्स मुझे एक ही जगह पे नहीं चाहिए, एक ही फाइल में नहीं चाहिए, वो मंथ के हिसाब से 12 फाइलों में सेग्रीगेट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। यही था ना प्रोजेक्ट हमारा? अब चलिए इसी चीज को हम जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक बार और समझ जाइए और क्या है, जैसे कि मुझे क्या करना है। अब जब भी कोई ऑटोमेशन आप करते हैं तो उस चीज की मैनुअल चीजों को जरूर समझें, ठीक है? तो मुझे मान लीजिए एक ड्राइव ले लेता हूं, मैं एफ ड्राइव ले लिया या ई ड्राइव ले लिया, राइट? ई ड्राइव के अंदर 2022 का फोल्डर है मेरे पास। अब इस 2022 के फोल्डर में मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे एक फाइल बनानी है न्यू। अब इस फाइल का नाम मुझे जैन देना है या वन देना है। अब इस फाइल को मुझे ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इसमें जनवरी महीने का फाइल है तो इसके अंदर में 31 सीट होने चाहिए। 31 सीट को इस तरह से ऐड करना है और सीट का नाम 1, 2, 3, 4 to 31 होना चाहिए, राइट? और सेम हमारा फरवरी में 28, 29 है, मार्च में 31 है, तो इसी चीज को हम आगे गो कैरी करेंगे। चलिए, तो हम विजुअल डेवलपर में चलते हैं। यहां पे विजुअल बेसिक और यहां इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और टू स्क्रीन कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी होगी आपको। चलिए, तो यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट और मेक एफ एल के नाम से हमने एक बना लिया। नाम पूरा भी दे सकते हैं कि शॉर्ट दे दिया, चलिए कोई बात। सबसे पहले तो मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने का तरीका है कि workbooks.add, और मुझे उसी को डायरेक्ट सेव कर देना है। तो सेव एज, और कहाँ सेव करना है तो लोकेशंस में यहाँ दिखा रहा हूँ कि मुझे इस लोकेशंस में सेव करना है। और किसके नाम से, तो वन नाम से डॉट एक्सेलस एक्स, बट वन नाम से नहीं, मुझे जनवरी के नाम से चाहिए, जैन नाम से। ओके, तो यहां हम इन दोनों को करते हैं फॉर्मेट और यहां पे वन एंड ट्रू और फिर एंड परसेंट। ऐसा क्यों किया,
ऐसा करने के पीछे रीजन था कि हमें इसको हर महीने के लिए एक एक कोड तो नहीं ना लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं? अभी तो कॉपी करके नीचे पेस्ट करके मैं इसको टू नहीं ना करूंगा, मैं इसको फिर आपस यहाँ पे थ्री नहीं ना करूंगा, ये तो मैनुअल हो जाएगी ना। इससे अच्छा तो कोड लिखे से खुद बना ले क्या। तो यहां पे हम देंगे फोर लूप, फोर आई इक्वल टू चले 1 to 12, 12 महीना 12 वर्ष चले। अब लूप क्या है, फोर क्या है, फोर लूप है, होता है क्या है लूप? तो इसको एक अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मुझे, मैंने मैसेज बॉक्स रिपेयर करने के लिए कर दिया MSG बॉक्स, यहां पे लिख दिया हाय, क्या लिख दिया हाय। अब मैं आरआर को रन करूंगा, यहां से रन करूं चाहे मैक्रो में जाके, तो यहां यहां रन करूं तो क्या दिखेगा, हाय दिखा, एक ही बार दिखा। मान लीजिए मुझे इसको 3 बार चाहिए, तो मुझे दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको 3 बार मैनुअल लिख दूं ताकि जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे दिखेगा 1 2 3, लेकिन अगर 30 करना है तो 30 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, 40 करना है 40 बार करना है, 1000 बार करना है तो 1000 बार करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मुझे इसी कोड को 10 बार रन करना है, 5 बार रन करना है, 3 बार रन करना है, तो उसके लिए हम फोर यूज करते हैं। फोर आई इक्वल टू चले 1 2 3 और नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई चेक करेगा। तो ये कैसे काम करेगा देखिए बताता हूँ। ये आई क्या का है, काउंटर है, एक वेरिएबल है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली प्रोजेक्ट में YMD लिया था ना, जैसे मैथमेटिक्स में आप XYZ लेते हैं लाइक दैट। तो 1 2 2 चले और यहाँ पे कर दिया कि मैसेज बॉक्स हाय और नेक्स्ट आई कर दिया। अब मैं इसको अगर स्टेप इन्फो, मतलब ऊपर जो होता है ना डिबग में F8 इसका शॉर्टकट है, वो लेता हूँ, आप देखेंगे कि ये चला। आई क्या है, इक्वल टू 1 है, 1 है ना, एक है मैसेज को शो किया। अब आई यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो गया मैसेज बॉक्स, दूसरा आया, फिर यहाँ पे देखिए 2 ही बार चलना था इसलिए हो गया। तो अब आई जो है एक वेरिएबल है, तो इसको हम कॉन्केट करके ले सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या दिखेगा, हाई 1 हाई 2, ए 1 आई 1 है और हाई और आई कॉन्केट होके क्या हो गया, हाई 1, फिर वापस आई 2 हो गया तो कॉन्केट हो गया, क्या दिख गया आपको, हाई। समझ में आया आपको, ये स्टार्टिंग और एंडिंग हुआ है, कहां से कितना कहां चलना है, ठीक है। तो यहां हमने 1 to 12 कर दिया, और जो यहां मैनुअल 1 लिखे थे वहां पे क्या कर दिया हमने, हमने कर दिया आई। और फाइल बनी है तो क्लोज भी करना होगा, तो यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। अब एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज क्यों किए, क्योंकि जो फाइल ओपन होती है वही एक्टिवेट होती है ना सर, क्या। अब चलिए इसको मैं एक बार एक दो बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए अभी I1 है। अब फॉर्मेट नहीं, यहाँ पे मुझे गलत, हमने गलत दे दिया था फॉर्मूला, यहाँ पे फाइल नेम, सॉरी फाइल नेम नहीं, मंथ नहीं, एक मंथ नेम नाम का फॉर्मूला होता है, वो क्या करता है कि 1 2 3 को कन्वर्ट कर देता है जैन फैब मार्च में, वीक नेम और मंथ नेम, ओके। तो यहां पे देखिए जैन नाम ऑलरेडी था इसलिए पूछ रहा था। दूसरा बना, तीसरा बना, इसने क्या किया, 12 फाइल बना दिए। अब जाके देखेंगे, देखिए बन रहा है ना, क्या बोल रहे हैं सर। तो हमने अभी हमने सिंपल सा 2 लाइनों का कोड लिखा, इस 2 लाइन के कोड ने क्या किया, इस 2 लाइन के कोड ने हमें 12 फाइल बना के दे दी जैन टू दिसंबर।
तो हमारा एक स्टेप तो हो गया, एक स्टेप फाइनल हो गया ना सर, कि हम फाइल बना सकते हैं। अब मुझे हर फाइल के अंदर नंबर ऑफ शीट्स ऐड करने, तो जब शीट्स ऐड करते हैं, जैसे हम यहां पे लिख दिया शीट्स डॉट ऐड, कहां ऐड करना है, बिफोर आफ्टर, तो आफ्टर मैंने बोल दिया शीट्स डॉट शीट्स डॉट काउंट सबसे लास्ट में, क्या ये तो मैंने बताया था आपको, तो ये क्या करेगा सबसे लास्ट में ऐड कर देगा। अब बारी आती है काउंट की, देखिए काउंट जो है मैं बराबर नहीं देता हूं, अगर मैं काउंट दूं जितना काउंट में पांच दे दिया तो एक बार में वो पांच सीट ऐड करेगा, 31 दे दिया तो एक बार में 31 सीट ऐड करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब में 31 ऐड कर रहा है ना, तो 31 तो मंथ के हिसाब से आना चाहिए ना, मैं कैसे आएगा। देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेट का, क्या इसका होता है डेट का, तो डेट फॉर्मूले के अंदर हम यहां पे ईयर देते हैं, मंथ देते हैं और डे देते हैं, तो वो सिस्टम वो एक डेट बना देता है, ठीक है। अब मैं इसी को ईओ मंथ लगा देता हूं, ईओ मंथ, और यहां जीरो कर देता हूं, तो आप देखेंगे इस महीने के लास्ट डेट दे देगा, और डे क्या करेगा यहां पे उसमें से डे अलग कर देगा, समझ गया। डे ने क्या किया, डे ने डेट को अलग कर दिया, समझ गए, क्लियर। यस सर, तो डाउट्स में, नो डाउट सर, हाँ। तो चलिए इसमें आगे और बात करते हैं इसके ऊपर, तो यहां पे कैसे वर्क करेगा, तो यहां पे वर्क कर इसमें पीए में, तो डेट जो है डेट सीरियल बनता है, क्या बनता है डेट सीरियल, तो मैं यहां पे एक डी फॉर्मूला लगाता हूं, उसमें बोलता हूं डेट सीरियल, डेट फॉर्मूला एक्सेल में है ना, वीवीए में डेट सीरियल हो जाता है, तो 2022 मंथ में आई ले लेंगे और डेट तो एक होता ही है फिक्स, तो डी के ऊपर क्या स्टोर हो गया, एक तारीख हर महीने की, जो आई 1 2 3 4 बार दे रहा है तो हर महीने की एक तारीख ऐड होगा, फिर डी इक्वल टू मैंने वापस इसमें ईओ मंथ, अब प्रॉब्लम है कि ईओ मंथ वीवीए में सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, अब सपोर्ट नहीं कर रहा कैसे पता चला, नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया ना, जो फॉर्मूला सपोर्ट करता है डालते ही एक्सप्रेशन आ जाता है, आया ना सर लेन में, अब जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला सपोर्ट नहीं कर रहा है मतलब डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहां एप्लीकेशन से लेके चलते हैं इसको, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन लाइब्रेरी से इसको कॉल करेंगे ईओ मंथ, हो गया। अब यहां पे हम डी देंगे और बोलेंगे जीरो, मतलब इसी महीने की लास्ट डेट, तो ये क्या करा, ये क्या करेगा 31 जनवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, 30 31 मार्च, 30 अप्रैल, ऐसे डेट कहां दे देगा डी के ऊपर, फिर डी ने क्या किया डे का फॉर्मूला, जो कि डे फॉर्मूला तो सपोर्ट कर ही रहा है, तो डे फॉर्मूला ने डी में से सिर्फ डे को अलग किया, तो फाइनली डी पे क्या स्टोर हुआ, आप कंफ्यूज होंगे कि सब डी कर लिया, देखिए क्या होता है कि आपने डी इक्वल टू 10 किया ना, फिर नीचे अगर डी इक्वल टू डी प्लस 5 कर देते हो तो डी का मान क्या होगा, डी का मान होगा 15, क्योंकि डी इक्वल टू 15 प्लस 5, समझे, तो पहले लेफ्ट साइड वाला चलता है देन इसको यहां पे अपडेट करता है, क्लियर है सर। तो यहां लास्ट डेट जो है वो यहां पे आ गया,
अब मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि डी। अब प्रॉब्लम है कि मुझे एग्जैक्ट उतने ही सीट चाहिए जितना मंथ डेट होता है, लेकिन ये तो 31 सीट, 28 सीट, 29 सीट ऐड कर रहा है ना। जब फाइल क्रिएट होती है तो पहले से एक या दो या तीन सीट तो होता ही है ना क्या? तो मैंने यहां पे लिख दिया सीट्स माइनस काउंट, मतलब कि डी में से पहले से जितना सीट है उतना माइनस कर दो, और इसने माइनस कर दिया, समझे? हेलो, अब उतने ही सीट ऐड होगा। अब सीट ऐड तो हो गई, और नेम कैसे करेंगे? तो सीट को नाम करने का तरीका है कि सीट्स, और मैंने बताया था ना पहला पोजीशन इक्वल टू नेम। अब यहाँ पे डेटा वन डेटा टू के साथ यहाँ पे आप दे दीजिए वन, क्या? फिर इसी तरह से नीचे आपका टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम लूप लगा लेंगे कि फोर आई, आई नहीं जे होगा, आई ऊपर यूज कर चुका हूँ ना, इसलिए जे इक्वल टू वन टू कहाँ कहाँ चले, डी चले, मतलब जितने शीट इसने ऐड किए जितने मंथ है, और फिर नेक्स्ट जे। अब यहाँ पे भी जे ले लेगा और यहाँ पे भी जे ले लेगा। अब देखिए वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है? मैं एफर्ट करके रन कर रहा हूँ, एफर्ट किया, डेट सीरियल इसने डेट बना दिया, बना दिया। फिर ईयर मंथ इसका लास्ट डेट अलग कर लिया, फिर डे इसमें से डे अलग कर लिया 31, फिर इसने मंथ नेम ने जो है मंथ नेम ने आई को जैन में कन्वर्ट किया और जैन नाम का फाइल बना दिया। आप देख सकते हैं जैन नाम का फाइल है। फिर इसमें डी कितना है, 31 माइनस सीट तीन है, 31 माइनस सीट 29, इसने क्या किया देखिए 29 सीट ऐड कर दिए, तो टोटल 31 सीट हो गया इसमें। फिर जे इक्वल टू वन टू डी, तो यहाँ देखिए आप दिख रहा है आपको वन से लेके डी तक चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वन हो गया नेम, यहाँ पे वन, यहाँ पे देखेंगे कि आपका सबसे पहला शीट जो है डेटा वन हो गया, फिर वापस आई टू हो गया, डेटा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा कब तक, 29 30 31, और फिर फाइल को क्लोज करेगा, सेव करते हैं, क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट, फिर वापस दूसरा मंथ कैलकुलेट किया फरवरी का, फिर फरवरी का निकाला, फरवरी का डेट निकाला, फिर फरवरी नाम का फाइल ऐड किया, और इसी प्रोसीड को फिर इसमें कितना है 28 माइनस 3 है, तो उसने उतने शीट क्रिएट किए, और फिर वापस 1 से 28 तक इसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा, और आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स में आपके 365 शीट 12 अलग अलग फाइलों में सेग्रेट होके 1 2 3 डेटा 1 2 3 के नाम से, वो या जो भी डेट देना चाहते हो डेट के नाम से, जो भी नाम देना चाहते हो उस नाम से आपका सेव हो जाएगा। गोपाल जी, इसमें कुछ नई चीजें थी सीखने को, बट मैंने आपको प्रोजेक्ट इसलिए दिया था, आप सोचेंगे सर इतना लंबा प्रोजेक्ट आपने मुझे दे दिया, मैं थोड़ी बना पाता, तो एक रिसर्च का आरएनडी भी होती है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके पास ऑफिस में काम आएगा वो मैंने आपको बताया हुआ ही होगा क्या? आप एग्जाम में पढ़ने जाते थे तो क्या लग रहा है, पढ़ते थे एग्जाम देने जाते थे तो क्या आप जो बुक में पढ़ते थे या जो आप सर आपको टीचर आपको पढ़ाते थे वो सारा का सारा एग्जाम में पूछ ही देता था, नहीं पूछता था ना? तो सेम थिंग यहाँ भी है कि यहाँ पे भी आपको बहुत सारे चीजें जो है नहीं हो, ठीक है सर? चलिए, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक कोड मैं आपको भेज देता हूं, इसमें चेंज करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए ताकि मैं कोड आपको भेज दूं।
रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड सर हाँ बोलिए।